का स्वागत है। मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर दया नायक की वापसी हो रही है। दया नायक को बहाल कर दिया गया है। दया नायक 80 से ज्यादा एनकाउंटर्स कर चुके हैं। नायक को पिछले साल जुलाई में सस्पेंड कर दिया गया था। दया नायक को अंडरवर्ल्ड से संबंध और आय से अधिक संपत्ति के आरोप में निलंबित किया गया था। हालांकि एसीबी की जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़े हैं। अभिषेक, बॉलीवुड की कई फिल्मों के इंस्पिरेशन रहे हैं दया नायक, अब दूसरी पारी के लिए तैयार हैं। जितनी कंट्रोवर्सीज पहले हुई थी, अब उतनी कंट्रोवर्सीज और होंगी क्या? बिल्कुल आंचल, जाहिर सी बात है, जितनी कंट्रोवर्सी पहले हुई थी उतना ही कंट्रोवर्सी अब होने की उम्मीद पूरी तरह दिखाई पड़ रही है। हालांकि दया नायक की अभी नियुक्ति कहां पर तैनाती हुई है वह अब तक साफ नहीं हो पाएगा, लेकिन यह साफ हो चुका है कि उनकी जो निलंबन की कार्रवाई थी उसको वापस ले लिया है महाराष्ट्र के डीजीपी ने, और उस डीजीपी अब वापसी निलंबन की वापसी के बाद उनकी अब तैनाती होगी। तैनाती मुंबई के किस थाने में होगी या क्राइम ब्रांच में होगी या कहां होगी, इस पर सबकी नजर टिकी हुई। लेकिन इस पर मामले पर जो थोड़ी देर पहले मेरी महाराष्ट्र के डीजीपी प्रवीण दीक्षित से बात, उनका साफ कहना था कि इनका निलंबन जो कि पहले जब नागपुर में उनकी पोस्टिंग हुई थी उस वक्त उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया था, इसलिए उनका निलंबन उनको वापस किया गया है, उसके वजह से यह तमाम मामला सामने आया। लेकिन जाहिर सी बात है कि मुंबई पुलिस उन्हें कहां रखती है, किस क्राइम ब्रांच में रखती है या फिर किसी पुलिस स्टेशन में तैनात करती है, यह देखने वाला बात होगा। दया नायक इस पर मामले पर लेकिन अब तक कुछ भी नहीं बोल रहा, कहना है कि अभी हमको ड्यूटी ज्वाइन करने का हमें ऑर्डर नहीं मिला है, जैसे ही मिलेगा उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि दया नायक जैसे ही पुलिस में जब वापस ड्यूटी पर आएंगे उसके बाद कंट्रोवर्सी होनी तय है, क्योंकि एक बड़ा खौफ रहा है उनके अंडरवर्ल्ड के लोगों में कि इसीलिए उन्हें निशाना बनाया गया, जैसा कि उनका सब लगातार पहले से लगातार आरोप रहा है, और इसके वजह से वो निलंबन कार्रवाई है कि कई सालों तक सर्विस से बाहर रहे। लेकिन अब फिर से कह सकते हैं अंडरवर्ल्ड को खौफ दिलाने वाले दया नायक फिर से मुंबई। हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक, इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं।